हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने इसका फुल डिटेल वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको इसका सर्किट डायग्राम रीड करके दिखाया था और फ्रेंड्स इसे कैसे बनाते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट मैंने यूज़ करे हैं फ्रेंड्स, मैंने उसमें सब आपको बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक BC547 ट्रांजिस्टर का यूज़ करके एक LED फ्लैशर का सर्किट भी बताऊँगा फ्रेंड्स, तो बने रहें इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपना ये सर्किट ले लिया है और साथ ही फ्रेंड्स हम ले लेंगे एक ब्रेडबोर्ड। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक मेरा ब्रेडबोर्ड, और फ्रेंड्स इस पे हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए लेंगे एक BC547 ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स, आप यहाँ 548 ले सकते हैं, मैंने यहाँ 548 लिया है, आप यहाँ पे 547 और 8 में कोई भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हमें ये चाहिए, एक चाहिए फ्रेंड्स हमें 470 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट कैपेसिटर, साथ ही फ्रेंड्स चाहिए हमें एक 1 kΩ का रेजिस्टेंस, और फ्रेंड्स चाहिए हमें एक LED। आप यहाँ पे कोई भी कलर की LED ले सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की यूज़ करी है। और फ्रेंड्स हमें चाहिए एक जंपर। फ्रेंड्स, इन सब के मदद से हम बना सकते हैं एक बहुत ही अच्छा सा LED फ्लैशर सर्किट। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम सर्किट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है अपना ये ट्रांजिस्टर, और फ्रेंड्स जिसकी फर्स्ट पिन है कलेक्टर, सेकंड पिन है बेस और थर्ड पिन है एमिटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको ले लेना है और इसे हम कनेक्ट कर देंगे अपने ब्रेडबोर्ड में यहाँ पर इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी है अपनी रेजिस्टेंस और LED। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को हमें कनेक्ट करना है इसकी थर्ड नंबर की पिन पर, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है बीच वाली पिन पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव पावर इनपुट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इस वाली पिन पर ऐसे हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे कहाँ पर कनेक्ट करा है। फ्रेंड्स, अब हम अपनी LED ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी पॉजिटिव वाली लेग को हमें कनेक्ट करना है इसकी कलेक्टर वाली पिन के साथ, और नेगेटिव वाली पिन को फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बोर्ड में कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम लेंगे अपना कैपेसिटर। कैपेसिटर की फ्रेंड्स नेगेटिव वाली लेग कनेक्ट करनी है फ्रेंड्स हमें LED की नेगेटिव के साथ, और पॉजिटिव वाली लेग कनेक्ट करनी है फ्रेंड्स हमें ट्रांजिस्टर की थर्ड नंबर पिन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। और फ्रेंड्स, अब हम लेंगे अपना जंपर। फ्रेंड्स, जंपर हमें कनेक्ट करना है LED की नेगेटिव और कैपेसिटर नेगेटिव जो हमने एक साथ कनेक्ट करी वहाँ से ग्राउंड में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ग्राउंड में जंपर कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अब हम ले लेते हैं अपना ये सर्किट, और फ्रेंड्स इस सर्किट को हमें यहाँ पे इस तरीके से बस इंस्टॉल कर देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हेडर पिंस लगी हुई हैं जो कि इसमें ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कनेक्ट हो गई। फ्रेंड्स, ये सर्किट 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अगर फ्रेंड्स आप कोई दूसरा सर्किट बनाते हैं जिसमें 3.3, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट किसी भी सर्किट का वोल्टेज का यूज़ करना है, तो फ्रेंड्स आप यहां पे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये 3.3 पे सिलेक्ट है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसे 12 वोल्ट पे सिलेक्ट करके भी दिखाऊँगा, और फ्रेंड्स इसके साथ मैं एक फ़ोन को भी चार्ज करके आपको दिखाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर पावर इनपुट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 12 वोल्ट का अडैप्टर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स,
अब हमें यहाँ पे पावर ऑन कर देना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेक्टर जंपर सिलेक्टर 3.3 पर है, लेकिन फ्रेंड्स ये सर्किट है 12 वोल्ट का, तो हमें इसे जंपर सेलेक्ट करना है 12 वोल्ट पे। फ्रेंड्स यहाँ पे दो चैनल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग जंपर है और एक अलग जंपर है। फ्रेंड्स ये जंपर इस तरफ की वोल्टेज को सिलेक्ट करने के लिए है और ये वाला जंपर इस तरफ की वोल्टेज को सिलेक्ट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया है, तो हम ये वाला जंपर 12 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ये जंपर निकल जाएगा और फ्रेंड्स इसे हम यहाँ 12 वोल्ट में ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग करने लगा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से पावर ऑफ करके दिखा देता हूँ, ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, तो जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एलईडी बहुत ही अच्छी तरह से ब्लिंक कर रही है और हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर का कनेक्शन करके भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए हम इसे यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। फ्रेंड्स अब मैं अपना फ़ोन और डाटा केबल ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा फ़ोन और ये है हमारी डाटा केबल। तो फ्रेंड्स पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और फ्रेंड्स अब हम इसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और फ्रेंड्स अब हम इसे यहाँ पे इनपुट कर देंगे। और फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे पावर ऑन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग शो कर रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे बैटरी फुल चार्ज है इसलिए यहाँ पे चार्ज शो कर रहा है, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट भी वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स ये सप्लाई फ्रेंड्स आपको कम से कम 2 एम्पीयर तक की सप्लाई आउटपुट कर सकती है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।